तुम्हें भी हेल्प वेल्प लेनी हो तो बता देना, भाई भाई को बता देना, कटारियों को बता देना, हमें बता देना, इनको बता देना, इनको बता देना, किसी को भी बता देना, ठीक है भाई? चैनल का नाम तो बता दो भाई। भाई ये बंदा बार बार देख रहा था भाई हमें। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कटारिया गुड मॉर्निंग बोलते यार इनको। गुड मॉर्निंग ये ऐसे बोलते कटारिया, गुड मॉर्निंग ही नहीं बोलता। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। तो भाई सुप्रभात हो गई है हमारी, ठीक है भाई। तो आज भाई है सैटरडे और सैटरडे के दिन होती है भाई छुट्टी हमारी। सैटरडे संडे दो दिन ऑफ और दो दिन बसों की टेंशन, जैसे कि आज हो गई कि भाई 12:20 की वैसे बस होती है यूजुअली, पर आज भाई 12:15 पे थी, चली गई, छोड़ गया हमें। अब दूसरा रूट लेना पड़ेगा और 1.5 घंटे के अंदर कॉलेज पहुँचना पड़ेगा। 1.5 घंटे लग जाएंगे मेरे ख्याल से, 1:15 सवा घंटे मान लो यार, 1.25 घंटे में कॉलेज पहुँचना होगा। आज के इस ब्लॉग में ना हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में भाई करने हैं हमें प्रोजेक्ट अपने, ठीक है, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट करने हैं, जिसमें मतलब फ़ेल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं हमारे। तो वो तो भाई एक बंदा था, मतलब एक स्टोरी डाली मैंने कि भाई कोई एंड्रॉयड किसी को आती है तो बता दो, तो भाई बंदे ने खुद आगे से मैसेज किया, बंदा घर पे आया, बोला हाँ भैया मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, एक नंबर लौंडा था बन्नी। सही है भाई, गुजराती है, गुजराती बहुत भाई, मतलब बहुत गुजराती गुजराती खूब है यहाँ पे, पर बहुत कम ऐसे गुजराती होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। नहीं नहीं सब हेल्पफुल है भाई हमारे लिए तो। सारे हेल्पफुल होते हैं भाई, सारे हेल्पफुल होते हैं। तो भाई बस अब कॉलेज चलते हैं और वहाँ भाई कटारिया जिम लगाएंगे पहले। वो अपना पुराना धंधा है जिम वाला, वो तो करेंगे, जो हमारे मतलब जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं, बॉडी बिल्डर्स एथलीट, दो ही एथलीट है कनाडा में। तो बॉडी बिल्डर्स को भी नहीं लगता 26-26 लाख रुपए दे रहे हैं साल का। चल कोई नहीं भाई, अब तो दे दिए यार, क्या कर सकते हैं, जिम तो लगानी पड़ेगी ना, पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे ना कुछ भी करके। तो भाई भाई पता है कुछ बच्चे पैसे देते हैं 26 लाख रुपए और फिर जिम लगाने भी नहीं जाते, उन पर तो लानत है जो, तुम पढ़ भी नहीं रहे, जिम भी नहीं लगा रहे, करने भाई आए हो, करने क्या आए हो तुम, कम से कम पैसे दिए वसूलो तो सही, कुछ तो करो। तो बस भाई अब कॉलेज चलते हैं और अपने 26 लाख वसूलते हैं, चले कटारिया। हाँ चलो 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 चलो। दो बच्चे देखे बस में, क्या कर रहे थे कटारिया भाई, उनकी हरकतें ऐसी थी जैसे वो नशा फूक के आए भाई। यहाँ पे जितने भी गोरे हैं ना, चलो इंडियंस तो चलो ठीक है कि वो नशे करते हैं, मतलब दारू पी लेते ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, फिर भी एज होती है, मतलब 17-18 साल के बाद एज होती है, एक एज होती है, उनके लिए कोई एज नहीं है भाई। माना हम भी नहीं करते, मतलब 10 साल का 11 साल का बच्चा ना तुम्हें ना कुछ भी करता हुआ मिल जाएगा, और ऐसे नहीं कि अपने घर पे कर रहा है, रोड पे पब्लिकली कुछ भी। गोरे आगे भाई हमसे, देख लो कितने आगे हैं। वहाँ स्टेशन बस स्टॉप पे खड़े थे, वहाँ पे भाई वो लगा था एक पोस्टर सा, पोस्टर क्या मतलब वो बैनर नहीं होते, बैनर भाई उखाड़ घूड़ के उसकी चटनी कर दी, उसकी चटनी कर दी भाई। क्या मतलब, क्या रूल्स है कनाडा में, कुछ नहीं है भाई, इनको निकालो भाई कनाडा से, गोरों को निकालो और इंडियंस को निकालो। गोरे सोचते हैं इंडियंस को निकालो, इंडियंस सोचते हैं गोरों को निकालो। अगर ऐसा कर दें कि इंडियन सारे यहाँ शिफ्ट करते हैं और गोरे इंडिया इंडिया में शिफ्ट करते हैं, दो दिन तो इंडिया को कनाडा बन जाएगा कि कनाडा इंडिया बन जाएगा? अबे जो गोरे हैं ना वो इंडियन बन जाएंगे, गर्मी वहाँ की गर्मी झेल पाएंगे? नहीं नहीं, साफ सफाई में और तरक्की में बोल रहा हूँ, ये तो रो देंगे तो चलो भाई ये तो चलो गोरों का है भाई, उनका सिस्टम है, बट भाई तुम अगर आ रहे हो ना तो भाई नशों में मत पड़ना। और भाई गोरों के पास ना बच्चों से ज्यादा कुत्ते हैं इनके पास, क्योंकि इन पे भाई पैसा बहुत है, तुम पे ना है, ये बच्चे नहीं पालते कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। गोरों का नाम ले रहे थे, गोरे आके धमका रहे हैं हमें। गोरा नहीं था वो भाई, काला था। कोई नहीं भाई, गोरा काले में वो है, गोरा काला नहीं बोलेगा कोई काला नहीं बोलेगा कोई तो भाई अब ना देखो अब जा रहे हैं हम कॉलेज, ठीक है, रोड पे भाई हम लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को देख लेते हैं तो हमारा ना वो हो जाता है भाई, किसी दिन मन खराब हो जाता है, किसी दिन हमारा कटप्पा बाहुबली कूट पड़ेगी हमें, किसी दिन कूट पड़ेगी किसी से भाई। आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो तुम भाई अपना आईपीएल देखो, मौज करो, आईपीएल ड्रीम इलेवन टीम बनाओ और कैश जीतो, ये मत सोचो कि हमें पैसे मिले, ये मत सोचो कि हमें पैसे मिल रहे हैं या फिर कुछ मिल रहे हैं, हम ऐसी प्रमोशन कर देते हैं, सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं हम यार, पैसों वालों को पैसे की क्या जरूरत है बताओ। तो भाई जितने भी मेरे यार दोस्त और मेरे व्यूवर्स सट्टेबाज है, उन सबको आईपीएल की हार्दिक शुभकामनाएं, आप इस आईपीएल में खूब तरक्की करो। देख रहा है वो आगे दोबारा भाई, इसको देखो ये भाई, ये बंदा बार बार देख रहा था भाई हमें।
हाँ जी भाई, तो मिलिए भाई इनसे। नाम नाम बता दो भाई अपना। रोहन। रोहन। और रोहन जी भाई पता है क्या लेके आए हैं? क्या था भाई ये? बोलिया मैं थेपला। तो भाई आज सब गुजराती खाना वाना चालू करेंगे हम। गुजरातियों के लिए अब हमारे दिल में अलग सी रिस्पेक्ट सी बढ़ रही है। बहुत हेल्पफुल है। कटारिया बहुत गलत गलत बोलता है गुजरातियों को, मुझे समझ नहीं आता क्यों बोलता है। तो भाई ये जो भाई हैं, भाई ये आज हेल्प करेंगे हमारी, ठीक है? पहली बार हम हेल्प ले रहे हैं किसी की, ये देख लो कनाडा में। क्या बोला था गुजरातियों को, क्या बोलता है? गलत गलत बोलता है। तो मैं कांग्रेसी हूँ ना। तो भाई भाई जो है बहुत, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम मैं भी वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट। तो भाई हेल्प कर रहे हैं, और अगर तुम भी कनाडा आओ और तुम्हें असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए, क्योंकि सारे नंबर देखो हेल्प उसके ही होते हैं, हेल्प के नहीं। सारे नंबर हेल्प के नहीं होते, सारे नंबर होते हैं असाइनमेंट्स के, ठीक है? तो अगर तुम आओ, अगर कहीं फंस रहे हो तो भाई से हेल्प लेना। बस ये है कि ये भाई हेल्प पैसे लेके करते हैं, ये नहीं बोल रहा असाइनमेंट कॉपी करना, कॉपी नहीं करना है, हेल्प लेनी है। सही, ठीक है भाई? भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे थ्रू, मैं बता दूंगा कैसे कॉन्टैक्ट करना है। आज जिम हो गई है और असाइनमेंट भी हो गई है। हो गई है भाई, असाइनमेंट नहीं हुई है, हेल्प हुई है। हेल्प बोलते हैं उसको, ठीक है भाई? और अगर तुम्हें भी हेल्प वेल्प लेनी हो तो बता देना भाई, भाई को बता देना, कटारिया को बता देना, हमें बता देना, इनको बता देना, इनको बता देना, किसी को भी बता देना, ठीक है भाई? चैनल का नाम तो बता दो भाई। भाई कैनेडा के नगर। तो भाई ऐसे हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो भाई अब चलते हैं, ब्लॉग एंड नहीं होगा ये, मैं समझना कि ब्लॉग एंड हो जाएगा। अब इसके बाद भाई जाना है हमें फेयरवे। फेयरवे में भाई एक गुजराती भाई हैं अपने, तुमने देखा होगा एक बार किडनैप करके लेके आ गए थे हम, दो चार दिन तक गया नहीं था वो वापस। तो भाई उस भाई का केक कटिंग है आज, बर्थडे है उसका, तो उसके बर्थडे में चलते हैं, थोड़ा पार्टी वार्टी उससे ले लेते हैं। और फ्री में खाने में तो हमें अलग ही मजा आता है, मतलब स्वाद ही अलग आ जाता है फ्री में खाने में। उसको एहसास करा दें कि वो गरीब नहीं है, उसकी पार्टी में अमीर लोग आते हैं। चलो भाई, अमीर लोगों को अमीर फील कराते हैं आप। चलें? चलो चलो भाई। बर्थडे बॉय ट्रीटमेंट कराई थी ना, तो सारा बर्थडे ब्रो पार्टी में। लाइव चल रहा है? हाँ लाइव चल रहा है, डालना मत फिर। भाई कोई और खाए ना खाए, हम खाने चाहिए। करने की जरूरत नहीं है भाई, ऑर्डर कर लो, सस्ता है, उनसे खाओ, बढ़िया मजे आ जाते हैं। बर्थडे बॉय लुटता हुआ। उदित भाई दो शब्द बोल दीजिए कुछ। मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मुझे ये वाली उस टाइम वापस। भाई कनाडा में यही होता है कि गाड़ी देखी, गाड़ी देखी, ये बंदा वो गाड़ी लेने वाला है। मैं ले चुका हूँ, ये ले चुका। अब बस उस तो भाई बर्थडे की पार्टी ओवर हो गई है हमारी। बहुत बढ़िया बर्थडे गया भाई, भाई जिसको लूटना था हमने लूट लिया। अब तुम जाओ, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बस बस लेनी है भाई यार, गाड़ी तो है नहीं, हम पे देख के खुश हो जाते हैं, देख के खुश हो। गाड़ी ले ले क्या? गाड़ी तो भाई कल ले लेते हैं, कल ले लें। तो ठीक है भाई, अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाड़ी के साथ। जब तक के लिए राम राम। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्यार करो, देर सारा। बाय बाय।